पता है हम सब लोग क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि हमारी जो गाड़ियाँ होती है वो सिर्फ या तो पेट्रोल से चल सकती है या फिर डीजल से चल सकती है। लेकिन गाइज मेरा ये मानना है कि हम हमारी गाड़ियों को किसी भी फ्लेमेबल चीज़ से चला सकते हैं, चाहे फिर वो कुछ भी हो। सो गाइज इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए आज हम हमारी गाड़ी को पेट्रोल की बजाय दारू से चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दारू भी फ्लेमेबल होता है। और उसके साथ साथ हम इसे गैस से भी चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो गैस होती है वो भी फ्लेमेबल होती है। और गाइस फिर देखते हैं कि हमारा ये आइडिया वर्क करता है या फिर नहीं। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। सो गाइस ये रही हमारी रफ एंड टफ बाइक। इसे हमने पहाड़ से नीचे कुदाया, इसे हमने बिना ड्राइवर के चलाया, लेकिन फिर भी मुझे अब तक ऐसी उम्मीद है कि इसका इंजन चल जाएगा। हालांकि इसके इंजन के नीचे एक छोटा सा छेद हो गया था और इसके अंदर जो भी ऑयल था वो भी सारा बाहर निकल गया, लेकिन शायद इसीलिए ये बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। सो गाइस पहले तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना थोड़ी सी इंजीनियरिंग की जाए और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसकी सहायता से ये गाड़ी दारू और गैस से चल सके, लेकिन इतना झमेला पालने की कहां जरूरत है। क्यों ना हम इसके नोजल को इस पेट्रोल टैंक से अलग कर दे और इस नोजल की सहायता से सीधे ही इसके अंदर दारू डालें और फिर इसे चलाने की कोशिश करें और फिर देखते हैं कि हमारी गाड़ी इससे चलती है या फिर नहीं। भाई इसके अंदर एक दो किक लगाई हो। भाई आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ना अभी पेट्रोल है और ना ही कोई ऐसी चीज जिसकी सहायता से हमारी गाड़ी चल सके। आप देख सकते हैं कि इसकी टैंक में भी पेट्रोल नहीं है और इसके कार्बोरेटर में भी कोई भी पेट्रोल नहीं है। आई थिंक ये गाड़ी पूरी तरीके से सूखी है। तो चलिए इसके अंदर डालते हैं दारू। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इसके लिए पीने वाली दारू का यूज करूंगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हम जो दारू पीते हैं उसके अंदर आधे से ज्यादा पानी मिला होता है, तो उस दारू से तो इस गाड़ी को चलाना लगभग इम्पॉसिबल है। सो गाइस इसके लिए मैं यूज में लूंगा 95% प्योर दारू, जिसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ऑलराइट गाइस, तो चलिए इसे डालते हैं नोजल के अंदर और इससे ये हमारे कार्बोरेटर के अंदर जाएगा और फिर हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं। तो इसके अंदर हमने डाल दिया है थोड़ा सा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और ये इस छोटी सी डिब्बी के अंदर भरा हुआ है। आई थिंक ये एक छोटा सा पेट्रोल टैंक है जिसके अंदर हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को भर रखा है और ये सीधा कनेक्टेड है हमारी गाड़ी के कार्बोरेटर से। और गाइस आप देख सकते हैं कि इसके अलावा हमने और कोई भी अलग से नली नहीं लगाई है, क्योंकि मुझे पता है इंडिया में लोगों को विश्वास दिलाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास गाड़ी को चलाने का एकमात्र ऑप्शन है और वो है ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो चलिए इसे स्टार्ट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि स्टार्ट होती है या फिर नहीं। सो गाइस केवल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डालने से तो आई थिंक हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आइडिया एक और आइडिया है मेरे पास कि क्यों ना हम इसके अंदर थोड़ी सी ये गैस मिला दें और फिर हो सकता है कि ये गाड़ी स्टार्ट हो जाए और चलने लगे। सो गाइस मेरे पास है यहाँ पर लिक्विड LPG, वही गैस जो आप घरों के अंदर यूज में लेते हैं। इसका एक और रीजन ये भी हो सकता है कि हमारा ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ये पूरी तरीके से हमारे इंजन के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, तो इससे ये भी होगा कि इस गैस की सहायता से उसे एक धक्का लगेगा और वो सीधा ही इंजन के इस सिस्टम के अंदर जाएगा और फिर हो सकता है कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो चलिए एक बार इस ऑप्शन को भी ट्राई कर लेते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी गैस भरी हुई है, वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर से। ऑलराइट, तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। देखा आपने
कि हमने अभी अभी हमारी गाड़ी को दारू और गैस को मिक्स करके चलाया है, और जैसे ही मैंने गैस की इस डिब्बी को बाहर निकाला हमारी गाड़ी बंद हो गई। सो गाइस इससे हुआ ये कि जब हमने इस गैस को इसके साथ में अटैच किया तो उसके प्रेशर से हमारा जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था वो मेन इंजन के सिस्टम तक गया और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो चलिए इसे एक बार फिर से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये दोबारा से स्टार्ट होती है या फिर नहीं। और गाइस आप देख सकते हैं कि इसे हमने पेट्रोल से नहीं बल्कि इस अल्कोहल की सहायता से स्टार्ट किया है। तो चलिए इसे एक बार फिर से ट्राई करते हैं। और अब डालते हैं इसके अंदर गैस। गाड़ी को पेट्रोल से नहीं बल्कि किसी भी फ्लेमेबल चीज से चला सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और आगे मैं ये कोशिश करूंगा कि हम एक ऐसी प्रॉपर गाड़ी बनाए जिसे हम रोड पर भी चला सके। इसे हम नहीं चला सकते हैं क्योंकि इसकी हमने पहले ही पूरी तरीके से 12 बजा दी है, और मुझे पता है कि आप ये बोलेंगे कि भाई अब तो इस गाड़ी का पीछा छोड़ दो। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।